हे फ्रेंड्स, आप लोगों को तो पता ही दोस्तों, एप्पल का आईफोन 12 सीरीज दोस्तों जो कि सितंबर अक्टूबर के आसपास लॉन्च होगा, मगर अभी वो दोस्तों फ़ोन डेवलपमेंट में है, उस पर अभी काम चल रहा है दोस्तों, और मे बी डीले भी हो जाए दोस्तों लॉन्च डेट, क्योंकि अभी कोरोना वायरस का कुछ आउटब्रेक चल रहा है तो उसके वजह से दोस्तों। मगर दोस्तों बहुत ही कमाल का खबर निकल कर सामने आया दोस्तों आईफोन 12 से रिलेटेड, आप लोगों को काफ़ी अच्छा भी लगेगा दोस्तों और आप चौंक भी जाओगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा, अच्छा जरूर लगेगा दोस्तों, वीडियो लाइक कर देना, और ऐसे ही टेक से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए और टेक के मामले में अपडेट रहने के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बदानी टेक, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो दोस्तों आईफोन 12 सीरीज ये दोस्तों 5G वर्जन के साथ में भी आएगा, 4G वर्जन के साथ में भी आएगा, मगर दोस्तों इससे रिलेटेड एक बहुत ही कमाल का न्यूज ये है, इसके साथ दोस्तों आपको एक आईफोन 12 सीरीज में ही आईफोन 12 मिनी देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, आईफोन 12 मिनी। इसका स्क्रीन साइज दोस्तों 6 इंच से छोटा होगा दोस्तों, 5.4 इंच का आपको OLED डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा दोस्तों 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ में। वो दोस्तों फ़ोन आपके हाथ में काफ़ी आसानी से आ जाएगा दोस्तों, और मार्केट में काफ़ी कस्टमर्स ऐसे भी हैं दोस्तों जिनको ये छोटा फ़ोन ज़्यादा पसंद आता है, मे बी एप्पल उन्हीं को ध्यान में रखकर ऐसा फ़ोन निकाल रहा है। और दोस्तों एप्पल के सभी 12 सीरीज में आपको बायोनिक A14 चिपसेट लगा हुआ मिल जाएगा, जो कि दोस्तों 5 नैनोमीटर पे बेस्ड है, जिसमें आपको बैटरी काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाएगा, बैटरी का परफॉर्मेंस दोस्तों, और साथ ही साथ ये प्रोसेसर काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देने वाला है 5 नैनोमीटर पे। यार मतलब ये एंड्रॉयड 7 नैनोमीटर पे स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर चल रहा है दोस्तों, और ये 5 नैनोमीटर पे प्रोसेसर ला रहे हैं, ये काफ़ी कमाल की बात हो जाएगी। प्रोसेसर के मामले में नो डाउट बहुत अच्छा फ़ोन होने वाला है। और दोस्तों ये फ़ोन आईफोन SE 2 और आईफोन 12 के बीच का फ़ोन होने वाला, आईफोन 12 मिनी। नहीं पता यार फ़ोन आएगा कि नहीं आएगा दोस्तों, अभी लीक्स आई है, मे बी एप्पल लॉन्च कर भी सकता है, मे बी नहीं भी कर सकता, मुझे थोड़ा सा डाउट है। बहरहाल अभी सितंबर आएगा तभी पता चलेगा दोस्तों कि क्या होता है, क्या आईफोन 12 मिनी लॉन्च होगा या फिर नहीं होगा। इस ये फ़ोन दोस्तों आपको इसका बेसिक वेरिएंट 64GB इंटरनल मेमोरी के साथ में देखने को मिल जाएगा, 3GB रैम के साथ में, और अपर वर्जन दोस्तों आपको 512GB तक देखने को मे भी मिल जाए। और दोस्तों आपको इसमें फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट वगैरह भी मिलने ही वाला है, और ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि दोस्तों इसमें आपको टाइप सी पोर्ट मे भी देखने को मिल जाए, और कैमरा भी दोस्तों आपको काफ़ी कमाल का मिल जाएगा। बैक में मेरे ख्याल से दोस्तों डुअल कैमरा होना चाहिए, अभी कैमरे के बारे में कुछ खास पता नहीं चला है। यार मतलब एप्पल भी अब बहुत सारा फ़ोन इस बार लॉन्च कर रहा है, नहीं पता क्या करना चाहता है। तो दोस्तों आपकी क्या राय है आईफोन 12 के बारे में, क्या आपको लगता है कि आईफोन 12 लॉन्च करेगा एप्पल या फिर नहीं? मेरे को दोस्तों थोड़ा सा शक लग रहा है, हो भी सकता है दोस्तों लॉन्च कर भी सकता है, देखते हैं क्या होता है। और 5G फ़ोन तो आने ही वाला है, और दोस्तों उससे पहले आईफोन SE 2 लॉन्च होने ही वाला है, जिसका नाम आईफोन 9 भी हो सकता है। तो दोस्तों अब आप अपनी राय बताओ, आप किस फ़ोन का इंतज़ार कर रहे हो, आईफोन SE 2 का या फिर आईफोन 12 मिनी का? यार अभी तो आईफोन SE 2 जो कि बहुत जल्दी ही लॉन्च होगा उसका इंतज़ार है मुझे, और आईफोन 12 मिनी का भी इंतज़ार काफ़ी बेसब्री से होगा दोस्तों। ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ मुझे देखने को मिला है दोस्तों, देखते क्या होता है। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख देना दोस्तों, और हाँ दोस्तों अगर आपका कोई सवाल या सुझाव चैनल से रिलेटेड वो भी कमेंट बॉक्स में लिख देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबाना ना भूलना, जिससे कि जब भी कोई वीडियो मैं अपलोड करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और पता चल जाएगा टेक ने कोई वीडियो अपलोड किया। आप लोग का ही वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं BHADANI आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में।